नमस्कार दोस्तों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, ये टॉपिक रेलवे, एसएससी और वर्तमान में होने वाले रीट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो शुरू करते हैं, और इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देखकर बताना है। तो शुरू करते हैं आज मौर्य साम्राज्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन में सम्राट अशोक, बी ऑप्शन में चंद्रशेखर, सी ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन में बिंदुसार। तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने अपनाया था? ए ऑप्शन में सम्राट अशोक ने, बी ऑप्शन में चंद्रशेखर ने, सी ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी ऑप्शन में बिंदुसार। तो दोस्तों, जियो और जीने दो का सिद्धांत सम्राट अशोक ने अपनाया था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन में मेगस्थनीज, सी ऑप्शन फाहिया, डी ऑप्शन में कौटिल्य। तो दोस्तों, इसके अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते हैं, तो इनके तीनों ही नाम हैं, तो इसका अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध पर अधिकार किया था? ए ऑप्शन में चाणक्य, बी ऑप्शन में बिंदुसार, सी ऑप्शन में सेल्यूकस, डी ऑप्शन में मेगस्थनीज। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध राज्य पर अधिकार किया था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन में चाणक्य, बी ऑप्शन में बिंदुसार, सी ऑप्शन में सेल्यूकस, डी ऑप्शन में मेगस्थनीज। तो दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज थे, तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए ऑप्शन पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन सरवणबेलगोला, सी ऑप्शन बोधगया, डी ऑप्शन मगध। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य तपस्या करने कहाँ गए थे? तो दोस्तों, ए ऑप्शन में पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन सरवणबेलगोला, सी ऑप्शन में बोधगया, डी ऑप्शन में है मगध। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य तपस्या करने सरवणबेलगोला में गए थे, ये वर्तमान मैसूर में स्थित है, तो इसका अपना बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रघात या शत्रु संहारक कहा है? ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य को, बी ऑप्शन में बिंदुसार को, सी ऑप्शन में सम्राट अशोक को, डी ऑप्शन ऑप्शन में मेगस्थनीज को। तो दोस्तों, यूनानी लेखकों ने अमित्रघात बिंदुसार को कहा है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस विद्वान को भेजा था? ए ऑप्शन मेगस्थनीज को, बी ऑप्शन फाइयान को, सी ऑप्शन अवेंसा को, डी ऑप्शन में सीयूकी को। तो दोस्तों, यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन में 261 ईस्वी पूर्व में, बी ऑप्शन 268 ईस्वी पूर्व में, सी ऑप्शन 271 ईस्वी पूर्व में और डी ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलिंग का युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में
अशोक के कौन से अभिलेख से विस्तृत जानकारी मिलती है? ए ऑप्शन में 10वें अभिलेख से, बी ऑप्शन में 11वें अभिलेख से, सी ऑप्शन में 12वें अभिलेख से, डी ऑप्शन में है 13वें अभिलेख से। तो दोस्तों, कलिंग के युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है, तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? ए ऑप्शन में बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन में जैन धर्म, सी ऑप्शन में ईसाई धर्म, डी ऑप्शन में सिख धर्म। तो दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, तो दोस्तों इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को, दोस्तों अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और इनकी पुत्री थी संघमित्रा को, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु कहाँ भेजा था? तो इसमें ए ऑप्शन में है चीन, बी ऑप्शन में बांग्लादेश, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन श्रीलंका। तो दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु श्रीलंका भेजा था। अब दोस्तों, आपको ये भी पूछ ले कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को किस धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो आपको दोस्तों बताना है बौद्ध धर्म। और दोस्तों, आपको ये भी पूछ ले कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा था, तो उसमें पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ए ऑप्शन बौद्ध धर्म से, बी ऑप्शन जैन धर्म से, सी ऑप्शन ईसाई धर्म से, डी ऑप्शन है सिख धर्म से। तो दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बी ऑप्शन बिंदुसार, सी ऑप्शन सम्राट अशोक और डी ऑप्शन मेगस्तनीज के शासनकाल में। तो दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या था? ए ऑप्शन में आर्थिक, बी ऑप्शन में राजनीति, सी ऑप्शन में सामाजिक, डी ऑप्शन में धार्मिक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, जयपाल सक्सेस पॉइंट आपके अति शीघ्र सफल होने की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।